हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ला न्यूज़ चैनल में। आइए आज देखते हैं भारत को बदनाम करती एक रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिपोर्ट है, ये एक यूएन की मानवाधिकार परिषद के सदस्य देशों द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में होते हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में रिपोर्ट है। आइए जानते हैं इसको विस्तार से, ये रिपोर्ट किस बारे में है और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार रिपोर्ट है जो विवादों के साए में है। 14 जून को जारी हुई 49 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त जैद राद हुसैन ने तैयार किया है। इसमें अगस्त 2016 से अप्रैल 2018 के बीच जम्मू कश्मीर के साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी मानवाधिकार की स्थिति का संज्ञान लिया गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए जैद ने जम्मू कश्मीर और पीओके का दौरा करने के लिए भारत और पाकिस्तान से अनुमति मांगी थी। भारत सरकार ने उन्हें अनुमति न देकर एकदम सही किया, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की जैद की पहली भारत से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पहले भी था। पाकिस्तान ने जैद से कहा कि वह उन्हें तभी इजाज़त देगा जब भारत से उन्हें इसकी अनुमति मिलेगी। भारत के रुख पर अपना फैसला करने की पाकिस्तान की इस रणनीति से उसका व्यवहार किसी स्वतंत्र सोच वाले देश जैसा नहीं लगता। बहरहाल, किसी देश से अनुमति न मिलने के बावजूद जैद ने अपनी मुहिम बढ़ाई। उन्होंने मीडिया में आई खबरों, बयानों और संभवतः किसी तीसरे देश में हुई कुछ बैठकों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट तैयार करने का गलत तरीका है, क्योंकि इसे संदेह बना रहता है कि रिपोर्ट की सामग्री भरोसेमंद है या नहीं। इससे पक्षपातपूर्ण रपट ही तैयार हो सकता है। जैद ने बिल्कुल यही किया है। इसमें आरोप यह लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इसमें वही आरोप दोहराए गए हैं जो भारत विरोधी तत्व और पाकिस्तान उछालते रहते हैं। रिपोर्ट में आरोप मढ़ा गया है कि सुरक्षा बल निर्दोष लोगों को अत्याचार और महिलाओं का उत्पीड़न करते रहते हैं। इसमें सरकार को भी आड़े हाथों लिया गया है कि वह दोषी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। आसपा कानून और पैलेट गन के इस्तेमाल की भी तीखी आलोचना करते हुए कहा गया है कि सरकार ने सुरक्षा कर्मियों के मामले में एक भी अभियोजन को मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे मिथ्या आरोपी वाले जैद की रिपोर्ट में उन मुश्किल हालात को अनदेखी करते हुए ये बात कही गई है कि 3 दशकों के दौरान सीमा पर आतंक के चलते सुरक्षा बलों की चुनौती और कड़ी हुई है। अपने पूर्वाग्रह जाहिर करते हुए जैद ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी समूहों को हथियारबंद समूह कहा है, जबकि खुद संयुक्त राष्ट्र लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की सूची में डाल चुका है। खुद संयुक्त राष्ट्र के तथ्यों को नज़रअंदाज करने वाली जैद की रिपोर्ट अपने आप ही संदिग्ध बन जाती है। हैरत है कि अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कुछ परिस्थितियों में हथियारबंद समूह वैध माने जाते हैं, जैसे उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में, लेकिन आतंकी समूहों को कभी वैधता नहीं मिलती। रिपोर्ट में उल्लेख है कि ये हथियारबंद समूह नागरिकों के साथ ज्यादती करते हैं, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया है कि वे पाकिस्तान की शह पर ऐसा करते हैं, जो कश्मीर में समस्याओं की मुख्य जड़ है। रिपोर्ट में यह तो कहा गया है कि पीओके में सरकारी तंत्र नागरिकों को कोई अधिकार नहीं देता, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़े मानवाधिकारों को कहीं ज़्यादा गंभीर बताया गया है। जैद ने इससे पहले का संज्ञान ही नहीं लिया कि पीओके के लोगों को कभी कोई अधिकार मिले ही नहीं है
और उन्हें हमेशा खौफ ज़्यादा रखा गया है। साफ है कि वह पाकिस्तान की बेहतर छवि दिखाना चाहते हैं। जैद ने मानव अधिकार परिषद से गुहार लगाई है कि कश्मीर में मानव अधिकारों की रिपोर्ट की व्यापक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पड़ताल के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाए। परिषद में 47 सदस्य हैं जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। कोई भी देश लगातार दो बार से ज़्यादा इसका सदस्य नहीं रह सकता। एक कार्यकाल 3 साल का होता है। भारत, जो कि 2011 से 2017 तक लगातार दो बार इसका सदस्य रह चुका है, दूसरी ओर पाकिस्तान फिलहाल इसका सदस्य अभी बना हुआ है, उसने स्वाभाविक रूप से इसका स्वागत किया है। तय है कि वह जैद के प्रस्ताव का समर्थन भी करेगा। भारत ने इस रिपोर्ट की पूरी तरह खारिज करते हुए एकदम सही किया है। सरकार ने इसे पक्षपातपूर्ण एवं पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताते हुए कहा कि रिपोर्ट में सीमा पार आतंक की अनदेखी की गई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसका कुछ हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। यह इसी बात का संकेत करता है कि भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी भी अपना परिपक्व प्रतिक्रिया दी गई है। देश की संप्रभुता से जुड़े मसलों पर ऐसी एकता बेहद जरूरी है। हालांकि बाद में कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने इस बात के लिए सरकार को आड़े हाथ भी लिया कि उसने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त को ऐसी रिपोर्ट छापने दी ही कैसे। इस परिषद के सदस्यों को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने जैद की सिफारिश को स्वीकार कर लिया तो भारत के राजनीतिक वर्ग के साथ साथ देश की जनता भी उनके फैसले के खिलाफ खड़ी होगी। ध्यान रहे कि हाल में अमेरिका इसराइल के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर इस परिषद से बाहर हो गया है। यह जरूरी तो है कि भारत राजनायक परिषद के सदस्यों के साथ संवाद करे, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके आसार कम ही हैं कि परिषद के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करेंगे। आज दुनिया में भारत की बड़ी हैसियत है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से भी भली भांति वाकिफ है, जो जम्मू कश्मीर में कायम समस्याओं का मूल कारण है। कुछ देश कदम तो उठाते हैं पर भारत के साथ उनके रिश्ते प्रभावित जरूर होंगे। यही ध्यान में रखते हुए निजी तौर पर कुछ देश शायद भारत को रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाने की सलाह देंगे। मानव अधिकारों का सम्मान और प्रोत्साहन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एजेंडे में होना चाहिए, मगर वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जैद ने भारत की संप्रभुता को नकारते हुए अपने अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। जैद जैसे अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वामी नहीं बल्कि सेवक ही हैं। जैद अपने काम को लेकर स्वच्छंद नहीं हो सकते। उन्हें यह पता होना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक तंत्र बना हुआ है। स्वाभाविक रूप से देश यही अपेक्षा करता है कि उकसावे की तमाम कार्रवाई के बावजूद सुरक्षा बल संयम एवं अनुशासन के उच्च मानकों को पालन करें। जैद की रिपोर्ट में कश्मीरी पंडितों को राहत देने की भी सिफारिश की गई है। आखिरी सिफारिश भारत और पाकिस्तान द्वारा जनमत संग्रह कराने की है। यह बेहद बेतुकी बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह भारतीय हैं, संविधान से उन्हें सभी अधिकार मिले हुए हैं। जैद के प्रस्ताव उनके भारत विरोधी रुख को ही दर्शाते हैं। तो ये था दोस्तों भारत को बदनाम करने की जो साजिश रची गई है जैद के द्वारा, उसकी एक रिपोर्ट का एक झरोका है। ये जो है ये बिल्कुल भी भारत के पक्ष में नहीं है और हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।